सपोज यू आर वर्किंग ऑन मल्टी थ्रेडिंग एंड आपको ये पता लगाना है कि आपके प्रोग्राम में कितने करंट रनिंग थ्रेड्स है एंड उन सारी थ्रेड्स की डिटेल्स आपको प्रिंट करवानी है ऑन आउटपुट विंडो ऐसे में आप क्या करेंगे इसमें आप एक काउंट क्रिएट करोगे इनिशलाइज विथ जीरो जब भी आपका थ्रेड स्टार्ट होगा मीन्स जब आपका थ्रेड रन मेथड में जाएगा इस काउंट को आप एक से इंक्रीमेंट करोगे जब आपका रन मेथड एग्जीक्यूट होगा इस केस में आप काउंट को एक से डिक्रीमेंट करोगे जब भी आपको काउंट चाहिए करंट रनिंग थ्रेड्स का आप इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं दिस इज बाय यूजिंग द मैन्युअल वे लेकिन पाइथन बोलता है कि डू नॉट यूज दिस मैन्युअल वे मैं आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करूंगा आप उनका यूज कर सकते हैं एंड दैट इज वाय पाइथन इज पावरफुल लैंग्वेज दिस इज वीडियो नंबर एट ऑन मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन फॉर मल्टी थ्रेडिंग इन बिल्ट इन फंक्शन का हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम्स में चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पांच बिल्ट इन फंक्शन में आपको बताऊंगा फर्स्ट वन इज इज अलायू ये चेक करता है कि थ्रेड रनिंग स्टेटस में है कि नहीं ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है सेकेंड वन इज मेन थ्रेड ये मेन थ्रेड की डिटेल्स आपको रिटर्न करता है थर्ड वन इज एक्टिव काउंट नंबर ऑफ रनिंग थ्रेड्स आप पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस बिल्ट इन फंक्शन फोर्थ वन इज ई न्यूमरेट सपोज आपको सारे रनिंग थ्रेड्स की डिटेल्स चाहिए तो ये आपको सारे रनिंग थ्रेड्स की डिटेल्स रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड फिफ्थ वन इज गेट नेटिव आई सो एक नेटिव आई होता है थ्रेड के पास जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है उस नेटिव आई को आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन चलिए इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली समझते हैं सो यू कैन सी हियर टी वन एक थ्रेड है एंड इसका टारगेट है डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन फोर टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा सो बिफोर स्टार्टिंग द्रेड चेक करते कि थ्रेड का इज अलाय स्टेटस क्या है सो आई विल प्रिंट हीयर टी वन डॉट इज अलाइव सो दिस इज अ मेथड विच इज प्रजेंट इन द्रेड क्लास सो दैट्स वाई इसे मैंने कॉल किया है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास विच इज टी वन हियर आई होप आपको ओ पी पता है अगर नहीं पता है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूं उस सीरीज को जाके फॉलो कीजिए एंड अल्सो आई विल प्रिंट दिस वेन द थ्रेड गोज इन द रनिंग स्टेट सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर स्टार्टिंग सो लेट्स रन इट एंड लेट्स चेक द बुलियन वैल्यू एंड यू कैन सी हियर गाइज बिफोर इट इज फॉल्स मीन्स थ्रेड रनिंग स्टेटस में नहीं है ऑनलाइन नंबर टेन देन थ्रेड रनिंग स्टेटस में गया ऑनलाइन नंबर इलेवन एंड आफ्टर में हमें ट्रू प्रिंट करके मिला ट्रू मीन्स थ्रेड अभी रन कर रहा है फॉल्स थ्रेड रनिंग स्टेटस में नहीं है ओके okay, अब बात करते हैं मेन थ्रेड फंक्शन के बारे में इस फंक्शन को सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा सो दिस इज नॉट अ मेथड दिस इज अ फंक्शन प्रेजेंट इन द थ्रेडिंग मॉड्यूल सपोज आपको डिस्प्ले फंक्शन में मेन थ्रेड की डिटेल्स प्रिंट करवानी है ऐसे केस में आप करंट थ्रेड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप यहाँ पे करंट थ्रेड का यूज़ करेंगे तो आपको T1 वन थ्रेड की डिटेल्स प्रिंट करके मिलेगी और आपको यहाँ पे मेन थ्रेड की डिटेल्स चाहिए ऐसे केस में आप मेन थ्रेड फंक्शन का यूज कर सकते हैं हियर यू विल जस्ट राइट मेन थ्रेड एंड इसे आप प्रिंट करो मेन थ्रेड की डिटेल्स आपको प्रिंट करके मिलेगी फॉर दिस सो आई विल ऑल्सो प्रिंट अ मैसेज हियर मेन थ्रेड डिटेल्स न सो क्लियर करता हूं एंड रन करता हूं एंड यू कैन सी हियर मेन थ्रेड डिटेल्स मेन थ्रेड नेम है स्टार्ट है एंड इसका ये आईडी है थर्ड फंक्शन इज अक्टिव काउंट जो कि आपको रनिंग थ्रेड का काउंट रिटर्न करेगा इसे भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सो आई विल इम्पोर्ट एक्टिव अंडर स्कोर काउंट सो स्टार्ट करने के बाद आई विल प्रिंट हियर number of threads it will return the count of running threads and i will use this method active count so let's run it now and here you will see number of threads 2 so there are 2 active threads here one is t1 and one is main thread next function is enumerate इन्यूमरेट फंक्शन थ्रेडिंग मॉडल में प्रेजेंट है तो so सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा आप यहाँ पे थ्रेडिंग का रेफरेंस दे भी इसे कॉल कर सकते हैं इन्यूमरेट फंक्शन आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें सारे एक्टिव थ्रेड्स की डिटेल्स होगी सो इन शुड ऑफ यूजिंग एक्टिव काउंट हियर हमें पता है कि दो एक्टिव काउंट है सो आई विल राइट हियर इेट एंड यू कैन सी हियर यू विल गेट अ लिस्ट नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड देर आर टू रनिंग थ्रेड्स थ देर डिटेल्स वन इज मेन थ्रेड स्टार्टेड है इसका आई डी ये है देन थ्रेड वन डिस्प्ले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड उसका आई डी कुछ सेवनटीन थ्री ट्वेल्व है सो so, इस तरीके से आप इन्यूमरेट फंक्शन का यूज कर सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन से गाइज अब बात करते गेट नेटिव आई डी फंक्शन के बारे में दिस इज अ फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन द्रेडिंग मॉड्यूल आप थ्रेडिंग का रेफरेंस दे के भी इसे कॉल कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेता हूं गेट नेटिव आई डी फंक्शन को मैंने इंपोर्ट किया है यह आपको नेटिव आई डी रिटर्न करेगा ऑफ करंट वर्किंग थ्रेड मीन सपोज आप इस मेथड को और फंक्शन को यहां पे कॉल करते हैं आई विल प्रिंट हियर। गेट नेटिव आई डी फंक्शन कॉल सो लाइन नंबर फोर्टीन एग्जीक्यूट कर रहा है मेन थ्रेड सो मेन थ्रेड का यह नेटिव आई डी रिटर्न करेगा अगर आप इसे प्रिंट करते हैं यर इन द डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन को टी वन थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है सो टी वन थ्रेड का नेटिव आई डी ये रिटर्न करेगा सो आई विल राइट हियर नेटिव आई डी ऑफ टी वन एंड हियर इन दिस केस इट विल बी अ नेटिव आई डी ऑफ मेन थ्रेड सो जस्ट प्रिंट इट नाउ एंड हियर यू विल गेट नेटिव आई ऑफ मेन थ्रेड इज थ्री थ्री सिक्स एट एंड नेटिव आई डी ऑफ टीवन इज फिफ्टीन फोर थर्टी सिक्स सो दीज आर फाइव इंपॉर्टेंट फंक्शंस. आई होप की आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम